हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंज्यूमर बिहेवियर उपभोक्ता व्यवहार की यूनिट 5 को समझने वाले हैं। और स्टूडेंट, ये है आपकी सामाजिक वर्ग। सोशल ग्रुप क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता, मतलब समाज एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कैसे ट्रांसफर होता है। और समृद्ध और गैर समृद्ध उपभोक्ता, मतलब रिच और ऐसे व्यक्ति जो रिच नहीं है, अमीर नहीं है, ऐसे उपभोक्ता। तो पहले हम समझेंगे सामाजिक वर्ग क्या होता है। तो पुराने समय में समाज जातियों के आधार पर बटा हुआ था कि वैश्य समाज रहता था, ब्राह्मण रहते थे, शूद्र समाज रहता था। तो इस प्रकार से जो समाज था वह जातियों के आधार पर बटा हुआ था। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो समाज जातियों के आधार पर नहीं, जो समाज है वह जन्म के आधार पर भी नहीं, अब जो समाज है वह अलग अलग विशेषता रखने वाले व्यक्तियों की आधार पर बट गया है। जैसे आज इंजीनियर्स का ग्रुप अलग हो गया है, जो जॉब करते हैं डॉक्टर्स उनका अलग हो गया है, जो कर्मचारी यूनियन बन गई है उनकी, टीचर्स का ग्रुप अलग बन गया है। तो यहाँ पर सामाजिक वर्ग का आशय जब समाज का विभाजीकरण, समाज जो है जाति के आधार पर न वर्गीकृत होकर अलग अलग विशेषता को रखने वाले उपभोक्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो उसे कहा जाएगा सामाजिक वर्ग। ठीक है, जब हम उस वर्ग को किसी एक विशेषता रखने वाले, जैसे कि डॉक्टर्स अपना ग्रुप बना ले, इंजीनियर्स अपना ग्रुप बना ले, जो कपड़े की दुकान वाले हैं वो अपना ग्रुप अलग बना ले, किराने की दुकान वाले, तो यह सभी क्या है, एक ही विशेषता को रखने वाले उपभोक्ता होते हैं। तो इनकी जो हैबिट्स होंगी, इनकी जो सोच होगी, वह भी एक जैसी होगी। तो जब समाज को उनकी एक जैसी विशेषताओं के आधार पर बांट दिया जाता है तो वहां कहा जाता है सामाजिक वर्ग। ठीक है, अब सामाजिक वर्ग चेतना के निर्माणक तत्व, मतलब समाज में जो वर्ग बनते हैं उनका निर्माण किन आधार पर हो सकता है। पहला हमने लिया संपत्ति, धन और आय। आय के आधार पर समाज बढ़ सकता है, अमीर और गरीब। अमीर में भी हायर रिच, जो बहुत ज्यादा अमीर है, फिर थोड़े कम अमीर, जैसे हमने टाटा बिरला की बात करें तो वो उच्च अमीर है, हायर अमीर है। और उससे नीचे जो सामान्यतः हमारे यहाँ नेशनल बिजनेस कर रहे हैं, राष्ट्रीय बिजनेस कर रहे हैं, वो सब उसमें आ जाएंगे। और रिच में जो है हमारे इसमें कौन से आ जाएंगे, जो हमारे लोकल लेवल पर अमीर हैं। तो इस प्रकार से जब समाज का निर्माण आय कमाने वाले आय ग्रुप के हिसाब से व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय के आधार पर किया जाए, जैसे कि धनी वर्ग और निर्धन वर्ग, तो इसमें हम दो प्रकार कौन से लिखेंगे, धनी और निर्धन। जब समाज को इन दो ग्रुपों में बांट दिया जाए तो कहेंगे कि वह धन के आधार पर या संपत्ति के आधार पर विभाजीकृत ग्रुप है। फिर परिवार या नातेदारी। वर्तमान समय में पहले संयुक्त परिवार का समय था, अब धीरे धीरे संयुक्त परिवार जो है बिजनेस के कारण, जॉब के कारण या गांव से शहर में हस्तांतरित होने के कारण परिवार जो है वह एकल होने लगे हैं। तो यहाँ भी जो है समाज के कारण जो परिवार है उनके विघटित होने के कारण क्या हो गया है, समाज का वर्गीकरण परिवर्तित हो गया है, तो परिवार के कारण। फिर है निवास स्थान या क्षेत्र के आधार पर। निवास स्थान, जो शहरों में रहते हैं तो शहरी या ग्रामीण, ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर अच्छी वस्ती कॉलोनी में रहने वाले, जैसे बड़ी सिटी में आपने देखा होगा पॉश कॉलोनी रहती है जहां पे रिच फैमिलीज रहती हैं, और कॉलोनी में रहने वाले और बस्ती में झोपड़ियों में रहने वाले, तो ये किसके आधार पर हमने समाज को बांट दिया, रहने के स्थान के आधार पर। फिर व्यवसाय में तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे हम ले सकते हैं प्रोफेशन और कौन सा व्यवसाय। प्रोफेशन में हम अलग अलग प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है,
ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोफेशनल्स हो जाएंगे। इनका यदि अलग अलग ग्रुप बना लिया जाए तो जब समाज को व्यवसाय के आधार पर बांटा जाता है तो वो वैसा हो जाता है। शिक्षा, शिक्षित और अशिक्षित, शिक्षित में भी हायर शिक्षित, शिक्षित और अशिक्षित, उसके आधार पर जब बांटा जाए। धर्म, कौन से धर्म को मानने वाले, तो हमारे समाज में आज भी जो है हिंदू धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग जो है वह अलग अलग समाज को दिखाते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। तो ये है स्टूडेंट, ध्यान देना क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है, वर्ग चेतना के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं, सोशल ग्रुप को फॉर्मेशन करने वाले एलिमेंट्स किसके आधार पर, मतलब इसको सिंपल शब्दों में समझे हम, तो समाज को बांटने वाले कौन कौन से तत्व है, किन किन आधार पर समाज को बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता, मूव हो रहा है समाज, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक सामाजिक वर्ग में रहने वाला व्यक्ति दूसरे सामाजिक वर्ग में हस्तांतरित होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अभी एक व्यक्ति है, उसका जो घर बना हुआ है वो बस्ती झोपड़ी में बना है, ठीक है, झोपड़ी है उसकी, जो झुग्गी झोपड़ियां होती है उसमें उसका घर बना है। अब उसका बिजनेस बढ़ गया है और वह जो है अब कॉलोनी में आकर रहने लगा है, तो अब यहां पर क्या बोलेंगे हम कि सामाजिक गतिशीलता हुई है। एक और उदाहरण समझाती हूं कि गांव में रहने वाला व्यक्ति, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, सॉरी गांव में कच्चे घर में रहने वाला व्यक्ति शहर में जॉब के कारण शहर में आ गया है, तो शहर में आ गया है तो यहां भी हम बोलेंगे कि सामाजिक गतिशीलता हुई है, क्योंकि अब जो है वो कौन से क्षेत्र में माना जाएगा, शहरी क्षेत्र में, पहले काय में था ग्रामीण क्षेत्र में, यहां पर वो पहले बस्ती में था, ये बस्ती में रहता था, अब कॉलोनी में आ गया है। तो जब किसी व्यक्ति का जिस समाज में वह रहता है उस समाज से हस्तांतरित होकर किसी दूसरे समाज के ग्रुप में आ जाए तो उसे हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। जैसे धर्म के आधार पर हमने देखा, तो धर्म जो है अभी कोई लड़की है वह हिंदू धर्म की है और वह शादी करके किसी दूसरे धर्म में जा रही है, तो यहां पर भी क्या कहा जाएगा कि आप वो कौन से धर्म को मानने वाली होगी, दूसरे धर्म को, तो यहां भी हम कहेंगे कि सामाजिक गतिशीलता हुई है। तो सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या हुआ कि जब समाज के किसी एक वर्ग को मानने वाले या एक वर्ग में शामिल होने वाला व्यक्ति या उपभोक्ता किसी दूसरे ग्रुप में, समाज के किसी दूसरे वर्ग में शामिल हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। अब उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, किन कारणों से सामाजिक गतिशीलता होती है, कब व्यक्ति मूव करता है, तो पहला है अवसर, प्रमोशन, जैसे ही अवसर मिलता है टीचर प्रिंसिपल बन जाता है, या अभी जो है वह गांव में रहना है, जैसे ही मौका मिलता है वह शहर में चला जाता है, अभी वो देश में रह रहा है पढ़ाई करने के लिए विदेश चला जाता है। तो जब जो है अवसर के कारण मौका मिलते ही किसी एक वर्ग में रहने वाला व्यक्ति दूसरे वर्ग में हस्तांतरित हो जाता है, चला जाता है, तो उसे अवसर के कारण। फिर जनांग की जो हमारी बेसिक आधार संरचनाएं हैं, शिक्षा के कारण, आयु के कारण और आय वर्ग के कारण, तो इस प्रकार की विशेषताओं के कारण जब व्यक्ति एक, जैसे कि आयु के कारण, ठीक है, शिक्षा के कारण व्यक्ति एक वर्ग से ट्रांसफर होकर दूसरे वर्ग में हस्तांतरित हो जाता है। तो उदाहरण के लिए हम समझें कि अभी व्यक्ति जो है पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की, तो वो स्टूडेंट के ग्रुप में शामिल हुआ, जैसे ही उसकी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसने जॉब स्टार्ट की, डॉक्टर बन गया, तो वह दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार से भी जो है वह ट्रांसफर होता है। फिर स्वचालन, मतलब ऑटोमोशन के कारण, जो काम अभी एम्प्लॉय कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, उसके स्थान पर यदि मशीनें लगा दी जाए
तो भी क्या होगा, व्यक्तियों की पोजीशन चेंज होगी, समाज का वर्ग जो है वह परिवर्तित होगा। फिर महत्वाकांक्षा, नेचुरली जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी, महत्व ड्रीम्स रहेंगे, सपने रहेंगे, महत्वाकांक्षा रहेगी कि वहां पहुंचना है, तो नेचुरली वह उसके लिए प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, हार्डवर्क करेगा और उस पोजीशन को पाएगा। तो उसके कारण भी व्यक्ति की जो सामाजिक गतिशीलता है वह होती है। तो ये है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व या सामाजिक गतिशीलता के निर्धारक तत्व। अब हम बात करेंगे सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ऊर्ध्वोन्मुख, सिंपल सा समझे इसको अपन इंग्लिश में देखें तो हॉरिजॉन्टल, सीधी रेखा में हम समझे। तो जब प्रमोशन के कारण कोई टीचर प्रिंसिपल बन जाता है, कोई अभी एम्प्लॉई है मैनेजर बन जाता है, कोई बैंक में क्लर्क है अभी मैनेजर बन गया है बैंक का, तो ये जितने भी प्रमोशन हुए तो उसका समाज का ग्रुप जो है वह परिवर्तित हुआ। तो उसके कारण जब किसके कारण गतिशीलता ऊपर बढ़ती हुई रहती है, गतिशीलता मतलब उसका जो है प्रमोशन होता है, प्रमोशन किसी भी क्षेत्र में, जैसे बिजनेस बढ़ गया उसका, लोकल लेवल पर कर रहा था अब इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा है, वह अभी छोटी पोस्ट पे था अब बड़ी पोस्ट पे चला गया है, तो पद और प्रतिष्ठा के कारण, ख्याति गुडविल के कारण जब किसी व्यक्ति की गतिशीलता होती है तो वह कही कही जाती है कौन सी, ऊर्ध्वोन्मुख गतिशीलता, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। फिर है रैखिक, समान स्तर पर इस तरीके से, वो अभी यहां पर है और अब जो है वो यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे जितने एक्टर है, एक्टर्स जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, तो यहां क्या कहेंगे कि वह जो है अभी तक यहां काम कर रहा था, मूवी में काम कर रहा था, अब जो है वह पॉलिटिक्स में चला गया। तो इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है, समान स्तर का ही रहता है लेकिन उसकी पद और प्रतिष्ठा में समान लेवल पर दूसरे क्षेत्र में जब बढ़ोतरी होती है, गतिशीलता होती है, तो उसे हम कहते हैं रैखिक या उदग्र, ठीक है, वर्टिकल रैखिक गतिशीलता, क्लियर। फिर है संस्कृतिकरण व रैखिक सामाजिक गतिशीलता। संस्कृतिकरण मतलब यदि जो है क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेटर है, बहुत अपने पद पे फेमस है, उसे किसी क्लब का, सिखाने वाले क्लब का जो है कोच बना दिया जाए, उसे किसी संस्कृति क्लब में, मतलब जितने भी क्लब होते हैं उसके अंतर्गत उसे कोई पद दे दिया जाए, निर्णायक की भूमिका में रखा जाए, तो उसे हम कहेंगे संस्कृतिकरण। रैखिक शब्द आ रहा है मतलब बराबर की पोस्ट है, लेकिन वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसी क्षेत्र में उसका पद जो है, जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर अभी खेलने का काम कर रहा है, अब जो है उसे कोच बना दिया जाए या उसे बच्चों की कोई एकेडमी में सिखाने के लिए दे दिया जाए। कोई डांसर है, अभी तक स्टेज पर डांस प्रस्तुत कर रहा था, अब जो है उसे सिखाने वाला टीचर बना दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा रैखिक सामाजिक गतिशीलता। अब है अंतः तथा अंतर पीढ़ी गतिशीलता, इंटरजनरेशन। तो जब कोई उपभोक्ता या व्यक्ति एक पद को छोड़कर दूसरे पद को ग्रहण करता है, एक पोस्ट से रिजाइन करता है और दूसरी पोस्ट को ज्वाइन करता है उससे अपर वाली, तो वह कहा जाता है अंतः पीढ़ी गतिशीलता। और अंतर पीढ़ी गतिशीलता, तो अंतर पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक महिला की शादी हो जाती है, तो शादी हो जाने के बाद जो है उसका पद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वह पत्नी बन जाती है, और यदि बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसकी पदवी क्या हो जाती है, मां की हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे क्या, अंतर पीढ़ी गतिशीलता। फिर मुक्त एवं खुली गतिशीलता, मुक्त फ्री, जो वर्तमान समय में यदि हम, हाँ वर्तमान समय में हम बात करें तो अभी की जो सामाजिक स्थिति है वह मुक्त है, किसी भी समाज का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति दूसरी जाति या किसी दूसरे वर्ग में जाकर आसानी से अपने कार्य को कर सकता है और उसको ग्रहण कर सकता है।
तो वह कहलाएगी मुक्त गतिशीलता, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधन नहीं है। और खुली गतिशीलता ओपन सॉरी बंद गतिशीलता, इसमें जस्ट मिनट ये आएगी यहां पे बंद गतिशीलता। बंद गतिशीलता जो पुराने समय में हमारे यहाँ जाति के बंधन के कारण होती थी, जिसमें शादियां एक जाति में ही होती थी और जो भी रीति रिवाज होते थे वह एक जाति तक ही प्रतिबंधित होते थे, तो उस प्रकार की गतिशीलता जो है वह कौन सी कहलाती थी? बंद गतिशीलता, क्लोज्ड। और ओपन में जब जाति से ऊपर उठकर समाज के किसी भी वर्ग में जाकर हम अपने कार्य को इजीली कर सके तो वह ओपन कहलाती है, मुक्त गतिशीलता। तो ये है स्टूडेंट हमारे यूनिट फोर्थ में सामाजिक वर्ग क्या होता है और सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि समृद्धि के आधार पर उपभोक्ताओं का विभाजन, समृद्धि इट मीन्स रिचनेस, वह कितने अमीर हैं, उसके आधार पर कितने विभाजन उपभोक्ताओं के हो सकते हैं। कंज्यूमर का हमें विभाजन करना है, अलग अलग बताना है किसके आधार पर, उनकी रिचनेस के आधार पर। तो यदि हम अपने देश में देखें तो देश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हैं, ट्रक को चलाने वाले लोग भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स भी हैं और स्कूल में टीचिंग करने वाले टीचर्स भी हैं, तो टाटा बिरला, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर्स, इस टाइप के लोग भी हैं। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के लोग हमारे समाज में रहते हैं जिनको हमने धन के आधार पर देखा, तो उसके आधार पर हमने यह कैटेगरीज बनाई हैं। उच्च धनी वर्ग, हायर अपर क्लास, उच्च धनी वर्ग में ऐसे उपभोक्ता आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें पैतृत्व संपत्तियां, मतलब अपने पूर्वजों की संपत्तियां विरासत में मिली होती हैं और इनका पूरा ध्यान विलासिता की ओर और अपने पैतृक बिजनेस को संभालने में और अनुदान धर्म का जो है कार्य इनके द्वारा बहुत किया जाता है। तो ये है हायर अपर क्लास, उच्च धनी वर्ग, ठीक है। फिर है उच्च मध्यम वर्ग, ये मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है, लेकिन मिडिल क्लास में भी हायर क्लास रहती है जिनकी प्राथमिक आवश्यकताएं तो नेचुरली पूरी होती हैं, इसके अलावा समाज में पद प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी होती है। यदि हम डॉक्टर इंजीनियर्स जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, वकील होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, कलेक्टर्स होते हैं, इन सबके लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये जो है अपनी असाधारण योग्यता से धन कमाते हैं, ठीक है। इन्हें क्या होता है, पूर्वजों की संपत्तियां मिलती हैं और ये जो है असाधारण योग्यता से धन कमाते हैं, ठीक है, असाधारण योग्यता से। फिर है निम्न उच्च वर्ग, मिडिल अपर क्लास, मिडिल में भी अपर क्लास जो है, तो इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो लग्जरी आइटम्स है उनको भी खरीदने में सक्षम होते हैं, इस प्रकार के आते हैं। फिर है निम्न मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास में लोअर, तो इसमें हम बात करें, इसमें आ जाएंगे आपके क्लर्क, ठीक है, और हम इसमें ले सकते हैं ट्रक को चलाने वाले, ट्रक चालक, इस प्रकार की जिनकी सैलरी जो है वह प्राथमिक आवश्यकता दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में जो है खर्च हो जाती है, तो वो होता है लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। फिर है उच्च निम्न वर्ग, लोअर क्लास में भी उच्च जो है वर्ग, तो जो ड्राइवर्स होते हैं और जो माली होते हैं, गार्डनर होते हैं, कहीं पे जो है वो गेट कीपर होते हैं, प्यून्स होते हैं, तो वो जो है उच्च निम्न वर्ग में आते हैं, जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर लेते हैं लेकिन लग्जरी आइटम विलासिता की वस्तुओं को जो है वह नहीं खरीद पाते हैं। फिर निम्न निम्न वर्ग, जो कि अशिक्षित होते हैं, असंगठित होते हैं, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती है,
तो आपको क्वेश्चन आता है समृद्धि के आधार पर, रिचनेस के बेसिस पर, कस्टमर कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। फिर उपभोक्ता वर्गों के उपभोक्ता व्यवहार। देखिए, हमने अब पूरी यूनिट्स में उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ा है कि अलग अलग कंडीशन में उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। अब उपभोक्ता वर्ग भी हमने पढ़ा अभी जस्ट, सामाजिक वर्ग क्या होता है उपभोक्ता का। तो अलग अलग वर्ग के लोग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से सामान को खरीदने में अपनी सोच रखते हैं, उनके बारे में बताना है। तो कुछ उपभोक्ता ऐसे रहते हैं जिनकी आय ऊंची रहती है, मतलब हायर क्लास वाले, तो इनके पास अथाह पैसा रहता है, बहुत अधिक पैसा रहता है। तो इन्हें क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसके बारे में बहुत विवेकपूर्ण निर्णय न लेकर, चूंकि उनके पास धन और संपत्ति ज्यादा होती है, तो यह डिसीजन जल्दी से लेकर किसी भी वस्तु को खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं ऊंची आय प्राप्त। नीति परक लोग सोच समझकर विचार करके खरीदने वाले। कोई उपभोक्ता वर्ग ऐसा भी होता है जिनके पास आय बहुत अधिक होती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मितव्ययिता से, मतलब सोच समझ कर डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अटाटूट पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है तो हमें पूरा खर्च ही करना है। शहरी उपभोक्ता की सोच किस हिसाब से रहेगी, शहर के हिसाब से रहेगी, उनकी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। और शहरी उपभोक्ता मॉल की तरफ अट्रैक्ट होगा, मॉल में से चीजें खरीदेगा। ग्रामीण उपभोक्ता जो गांव में रहते हैं, तो गांव में रहने वाले उपभोक्ता का जो व्यवहार होगा वो अलग होगा, वह गांव की सोच के हिसाब से अपने पास वाली दुकान से सामान खरीद कर लाएगा, और उसकी सोचने समझने, उसकी आय चूंकि जो है वह कम रहती है, तो वह उस हिसाब से अपने पैसों का मैनेजमेंट करता है। पर्यावरण संवेदन, कुछ उपभोक्ता वर्ग ऐसे होते हैं जिनका रहता है हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना है, हमें पानी को बचाकर रखना है, तो इस प्रकार का वर्ग जो है वह अलग हो जाता है। तो उपभोक्ता वर्ग के आधार पर भी, तो स्टूडेंट इसमें हम और भी पॉइंट्स बना सकते हैं। आय वर्ग ये ऊंची आय वाले थे, हम इसमें और भी ले सकते हैं जितने प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं। अलग आयु वर्ग वाले उपभोक्ता ले सकते हैं हम इसमें। अलग रुचि, जैसे जो कलाकार होते हैं उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो स्टूडेंट इसमें आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है उस हिसाब से आप इसमें आंसर फ्रेम कर सकते हैं। फिर है उपभोक्ता व्यवहार की प्रवृत्ति का नियम। कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आपको क्या आ रहा है उस हिसाब से आपको आंसर को डिफाइन करना है। देखिए, उपभोक्ता का व्यवहार ही बताना है, उसकी प्रवृत्ति टेंडेंसी क्या सोच होती है। जब उपभोक्ता मार्केट में जाता है तो उसका खर्च करने का क्या एटीट्यूड होता है, वो क्यों खर्च करता है, तो उसके नियम बताने हैं। आर्थिक प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, अब देखिए हमसे सिद्धांत तो पूछे हैं, नियम पूछे हैं, तो हमने उसको लिखने का जो है वर्डिंग्स थोड़ी सी अच्छी कर ली, कि हमसे सिद्धांत पूछे हैं। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत क्या है, तो इस प्रकार के सिद्धांत को मानने वाले लोग आर्थिक प्रतिस्पर्धा, मतलब पैसों से संबंधित प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर किसी वस्तु को खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझें कि कोई व्यक्ति अमीर है तो वह विलासिता की वस्तुओं को ज्यादा खरीदेगा। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत क्या कहता है, ऊंचे लोग जो मतलब जो ज्यादा कमाते हैं वह अच्छी वस्तुओं पर खर्च करते हैं। फिर आर्थिक सौंदर्य का सिद्धांत, इस प्रकार का सिद्धांत को मानने वाले उपभोक्ताओं का क्या कहना होता है, कि जो चीज हमें पसंद आएगी, सौंदर्य अट्रैक्शन देगी, जो चीज हमें पसंद आएगी उस वस्तु को हम खरीदेंगे। फिर है उत्कृष्ट उपभोग का सिद्धांत, ब्रांड नेम, हम उसको शब्द हमने ऐसा लिया है, ब्रांड उत्कृष्ट मतलब अच्छी ब्रांड का ही खरीदेंगे। तो कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो ब्रांड के पीछे जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वह यदि पियर्स साबुन यूज कर रहे हैं तो वह पियर्स साबुन ही उपयोग करेंगे। फिर अवकाश का सिद्धांत, उच्च आय वाले लोग जनरली इसका यूज करते हैं, उन्हें जो है पैसों की चिंता नहीं होती है, तो उन्हें जो है छुट्टियां मनाना, अवकाश मनाना अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है अपना ज्यादातर समय अवकाश पर मतलब छुट्टियों में व्यतीत करते हैं और मनोरंजन की सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करते हैं। विलासी वर्ग,
कोई उद्देश्य नहीं है विलासी वर्ग का जो है, क्योंकि पैसों के बारे में उन्हें सोचने की जरूरत नहीं होती है, तो वह अपना संपूर्ण ध्यान जो है कहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में और विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करने में बिताते हैं। फिर आर्थिक कुशलता का सिद्धांत। आर्थिक कुशलता मतलब कम से कम पैसा लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से इनकम को बढ़ा सकते हैं, यह आर्थिक कुशलता का सिद्धांत है। तो इस प्रकार के व्यक्ति उपभोक्ता जो है वह विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं। फिर आर्थिक शिक्षा का नियम या सिद्धांत। आर्थिक शिक्षा का नियम यह कहता है कि इस प्रकार के उपभोक्ता पैसों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं और पैसों की व्यवस्था के संबंध में हमेशा सोचते रहते हैं। फिर आर्थिक चिंतन का सिद्धांत। इस प्रकार के उपभोक्ता अपने भविष्य के प्रति हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि भविष्य में उनके प्रमोशन की, प्रगति की और धन की क्या स्थिति रहेगी, और हमें अपना सामान खरीदने या उपभोक्ता व्यवहार का जो है बिहेवियर कैसा रखना है। तो ये है हमारा उपभोक्ता व्यवहार की प्रवृत्ति के नियम। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी यूनिट 5 जिसमें हमने पढ़ा कि सामाजिक वर्ग क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, फिर समृद्धि के आधार पर उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, व्यवहार किस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी खत्म होती है यूनिट 5।